अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोगों ने पीसी के लिए गेम डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने गूगल क्रोम पर चलना है। गूगल क्रोम पर जाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर सर्च बार में लिखना है ओशन ऑफ गेम्स। ये देखें, ओशन ऑफ गेम्स डॉट कॉम आपने लिखना है। यहाँ पर ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्च बार, यानी आप जो गेम डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पर शो हो जाएगी। तो लेट सपोज मैं कॉल ऑफ ड्यूटी का गेम डाउनलोड करता हूँ अपने पीसी के लिए। तो चलता हूँ, ये देखें, ये रिजल्ट्स आ गए हैं कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए। मुख्तलिफ रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 3। और ये देखो, लेट सपोज मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ और इसको डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये देखिए, आप इसको डाउनलोड करने के लिए नीचे आएंगे और ये इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी आप पहले इसको रीड कर लें कि आपका सिस्टम कौन सा है, आपका सिस्टम ये गेम सपोर्ट करता भी या नहीं, यानी इसके लिए जो रैम रिक्वायरमेंट्स हैं वो 1 GB है, सेटअप साइज 4.8 GB, हार्ड डिस्क 8 GB, इसमें हार्ड डिस्क की 8 GB की ज़रूरत होती है। तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। ये देखिए, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक करते हैं। आपके सामने ये दूसरा इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर ये कुछ सेकंड के लिए रन होगा, उसके बाद डायरेक्टली आपको IDM के ज़रिए डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं, आइए मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पर आप सेव एस पर क्लिक करेंगे। जिस भी फोल्डर या जिस भी जगह पर कंप्यूटर में आप इसको रखना चाहते हैं, तो लेट सपोज मैं इसको एच में रखना चाहता हूँ या आई में रखना चाहता हूँ, तो मैं सेव पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर स्टार्ट डाउनलोड, आपका गेम डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये है गेम डाउनलोड करने का तरीका। ये डाउनलोडिंग आपके इंटरनेट स्पीड पर भी डिपेंड करते हैं, यहाँ पर जो मेरा इंटरनेट स्पीड है वो 1.92 MB/s है। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।